नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम ज्ञान चैनल में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर ये सेक्टर या फिर इस कंपनी के बारे में बात करें तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 200% का रिटर्न इसने दे रखा है अपने इन्वेस्टर्स को और फ्यूचर में और ज़्यादा मल्टीप्लाई अगर रिटर्न मिलेगा। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इनके फाइनेंशियल्स हैं या क्या इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट का कैसे इनको सपोर्ट मिलने वाला है, सारी चीज़ें इस 4 मिनट के अंदर समझाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी जानकारी, बगल में आप देख सकते हैं 28 दिन का फ्री रिचार्ज मिल रहा है मोदी जी की तरफ से। व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, उस पर हमने वीडियो बनाई, उसको जाके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस शेयर एनालिसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंपनी एक तरह से ई बस में काम करती है, यानी कि आज के टाइम में आप भी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार्स हो। इवन टेस्ला ने भी अब इंडिया आने का अनाउंस कर दिया है। और इस कंपनी की खास बात अगर हम बात करें तो ये ई बस बनाती है, यानी कि आज के टाइम में आपने भी देखा होगा लगभग हर सिटी में स्टेट की कुछ बसेस चलती हैं जो कि इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं। और इस कंपनी के पास मेनली इलेक्ट्रिक बसेस का काम है, इसके अलावा इंसुलेटर्स का भी काम है। और पिछले 7 साल से ये ई बस बना रही है, तो 7 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा हो गया। क्या क्या है इनके ऑर्डर बुक में, सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर मैं कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स दिखाना चाहूँगा। कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 1226 रुपये के करीब पे चल रहा है वीडियो बनाते के टाइम पे। इसके अलावा 52 वीक लो और हाई की अगर मैं बात करता हूँ, 52 वीक लो इसका जो चल रहा है 1222 यहाँ पर 374 रुपीज़ है और 52 वीक हाई जो है वो 1465 रुपए है, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं 374 रुपए से, यानी कि अगर स्टार्टिंग से किसी ने लगाया होगा तो उसको कितना ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला होगा। चलिए कंपनी के कुछ और की स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। पीवी रेशियो जो है 12.95 है। यहाँ पर ईपीएस की बात करूँ 8.23 है, 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 10,064 करोड़ है। सेक्टर पीई की बात करूँ तो 52.41 है। यहाँ पर कंपनी यहाँ पर एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, 41.77 20 डे एवरेज डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की अगर बात करें 0.03 है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, तो यहाँ पर अभी जो जून 2023 का क्वार्टर रहा है उसमें यहाँ पर कंपनी की सेल्स डाउन देखने को मिली है मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। मार्च में जहाँ 375 करोड़ था वो सेल्स घटके 216 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट ऐसे ही अगर हम बात करें तो 26 करोड़ से घटके 19 करोड़ हो गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं 50% लगभग है प्रमोटर्स के पास, FIIs के पास है 8.55%, DIIs के पास बिल्कुल नाम मात्र है 0.11% और बाकी होल्डिंग है पब्लिक के पास 41.33%, यानी कि यहाँ पर पब्लिक अच्छी खासी मात्रा में है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं जिस कंपनी में पब्लिक होती है तो वहाँ पर स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाते हैं कभी कभार, अक्सर ये देखने को मिलता है ऑपरेटर्स की वजह से भी। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ आपको समझने वाली अगर मैं बात बताऊँ तो जो इन्होंने अपने लास्ट क्वार्टर में दिखाया था उसमें इनके पास लगभग 8,000 बसेस का अभी भी ऑर्डर है सरकार के थ्रू, डिफरेंट स्टेट के थ्रू। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने ई बस को और प्रमोट करने के लिए बात कही है जिसमें एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट होने वाला है, लगभग 40,000 करोड़ के करीब आप कह सकते हैं इन्वेस्ट होगा। और 100 अलग अलग जगह पर अगर हम बात करें डिफरेंट सिटीज़ में ये बसेस दी जाएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इस कंपनी के बारे में हम बात करें तो लगभग 50% का मार्केट शेयर है ई बस के काम में। अगर हम बात करें ये अकेली एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट शेयर 50% के करीब होगा अपने कॉम्पिटिटर के थ्रू, तो इनके पास ऑलरेडी 8,000 बसेस के ऑर्डर पेंडिंग में चल रहे हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट ई बस को प्रमोट कर रही है, अच्छा खासा ऑर्डर मिलने वाला होगा। तो ऐसे में इनका प्रॉफिट जो है और अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तो फ्यूचर में ये एक और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। और जो इनका 52 वीक हाई है 1400 के करीब को वो भी ब्रेक करके आसानी से चला जाएगा आगे। तो इस शेयर पे नज़र बना के रखें अभी, क्योंकि काफ़ी हाई है तो बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। जब भी ये शेयर गिरते हुए देखने को मिले तो डिप में ज़रूर बाय करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।